हाँ जी ओके, कहाँ तक हो गया था? ये यहीं से चालू करना है, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। हाँ ये तो आई गेस हो गया था ना। हाँ भाई तो 106 भी हो गया। अच्छा 7.39 ना। ई वोटिंग हो गया था पूरा अपना। हाँ, अरे क्या हो गया था, वापस आ जाएंगे। हाँ ऑप्शन फॉर रिमोट ई वोटिंग। चलिए ठीक है, देखिए एक टॉपिक चालू किया था अपन ने, कौन सा, ई वोटिंग का। ई वोटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, ई वोटिंग आप क्या क्या कैसे कर सकते हैं, देखिए क्या शो ऑफ हैंड्स बोला ना, शो ऑफ हैंड्स है ई वोटिंग। अच्छा चलिए सुनिए, ये बता रहा था वोटिंग के टाइप्स। कोई बात नहीं, क्या हो गया, तो बता रहा था तो बता रहा था, ठीक है बताइए वोटिंग के टाइप्स बताइए। चार तरीके से वोटिंग हो सकती है ना, बोलो कौन कौन से चार तरीके हैं। शो ऑफ हैंड्स, दूसरा ई वोटिंग, तीसरा डिमांड ऑफ पोल और चौथा पोस्टल बैलेट। ओके अब क्या चालू हुआ है यहां पे, 2014 के बाद से हमने एक नई चीज चालू करी, डेट इज ई वोटिंग। ई वोटिंग दो तरीके की होती है, ई वोटिंग एंड रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग 7 दिन पहले से चालू हो सकती है, ठीक है, और रिमोट ई वोटिंग के लिए क्या बोल रखा है, रिमोट ई वोटिंग चालू होगी 2 दिन पहले से लेकर, ठीक है, इन जनरल 2 दिन पहले से चालू कर देते हैं, से लेकर एंड हो जाएगी मीटिंग के दिन तक, ठीक है। अच्छा ई वोटिंग में, रिमोट ई वोटिंग में क्या होता है, आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपने घर से बैठ के क्या कर सकते हो, वोटिंग कर सकते हो, घर से बैठ के वोटिंग कर सकते हो, उसको कहते हैं ई वोटिंग। समझ आ गया ना। हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है, घर से बैठ के क्या कर सकते हो, वोटिंग कर सकते हो उसमें, ठीक है। अगर आप जिन्होंने घर से बैठ के वोटिंग करी है वो चाहे तो मीटिंग अटेंड करने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस मीटिंग में जाके क्या नहीं कर सकते, वो लोग वोट नहीं दे सकते, तो मीटिंग में दोबारा जाके वोट नहीं दे सकते, डबल टाइम आप वोट नहीं कास्ट कर सकते, एक ही बार वोट को आप कास्ट करेंगे। समझ आ गया क्या? ठीक है, तो आप गए और आपने मीटिंग में जाके क्या कर दिया, मीटिंग में जाके आपने वोट दे दिया, आप गए आपने मीटिंग में जाके वोट दे दिया, या अगर आपने घर से वोट दे दिया, ई वोटिंग कर दी तो ठीक है, रिमोट ई वोटिंग, और रिमोट ई वोटिंग नहीं करी तो आप मीटिंग में जाके वोट दे सकते हो। समझ आ गया, आप मीटिंग में जाके क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। समझ आ गया ना ये चीज, तो ये चीज क्या ऑप्शन अपने पास क्या है, अवेलेबल है। बोलो समझ आया कि नहीं आया। ओके क्या 3 days, 3 दिन के लिए ओपन रहेगा। हाँ एग्जाम्पल देता था कि जैसे 2 दिन पहले ओपन कर दिया से लेकर मीटिंग के दिन तक चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो कब से कब तक रहेगा, 3 दिन के लिए ओपन रहेगा, और अगले दिन जो मीटिंग का 1 दिन पहले का दिन है, जैसे कल मीटिंग है तो 8:05 बजे बंद कर देंगे इसे। समझ आ गया, और उसके बाद क्या है, मीटिंग के अंदर तो आप वोट कर ही सकते हो, और बाकी जिन दिन का रह गया वो आइए मीटिंग में, और मीटिंग में आके वोट कर दीजिए। ऑप्शन फॉर रिमोट ई वोटिंग, ड्यूरिंग द पीरियड
When facility for remote e-voting is provided, the members of the company holding shares, either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date may opt for remote e-voting. भले तुम्हारे पास physical form में shares हो, चाहे demat form में हो. हालांकि ये बातें क्या है, थोड़ी सी ये physical form practically possible नहीं है, क्योंकि सेबी के norms के बाद में physical forms को बंद कर दिया गया है. 2016 के बाद से physical forms completely बंद हो चुके हैं. ठीक है, अब आपके पास shares क्या नहीं हो सकते, physical form में नहीं हो सकते. ठीक है, अब आपके पास जो शेयर्स होंगे वो कौन से फॉर्म में होंगे, डीमटेरियलाइज फॉर्म में होंगे. और 2018 के बाद से किसी भी पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं वो डीमैट फॉर्म में ही होंगे. प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं. ओके, एज ऑन द कट ऑफ डेट मे ऑप्ट फॉर रिमोट ई वोटिंग. आप किसको ऑप्ट कर सकते हो, रिमोट ई वोटिंग को. प्रोवाइडेड दैट वंस द वोट ऑन रेजोल्यूशन इज कास्ट बाय द मेंबर, ही शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज इट सब्सिक्वेंटली एंड कास्ट दी वोट अगेन. ये तो बता चुका हूं मैं आपको, एक बार आपने जो वोटिंग दे दी, चेंज कर सकते हो, नहीं. कुछ बदल सकते हो, नहीं. कुछ हो सकता है उसमें, नहीं. प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अच्छा मैंने आपको बताया था ना, याद है लॉ कैसे पढ़ा जाएगा. जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि प्रोवाइडेड डैट आता है, याद है, और प्रोवाइडेड फर्दर डैट या फर्दर प्रोवाइडेड डैट आता है, याद आ गया. तो पहले तो एक दे दी प्रोवाइडेड डैट, कंडीशन दे दी, समझ आ गया. फिर उन्होंने फर्दर कंडीशन दे दी, क्या, डैट अ मेंबर में पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग इवन आफ्टर एक्सरसाइजिंग हिज राइट टू वोट थ्रू रिमोट ई वोटिंग बट शैल नॉट बी अलाउड टू वोट अगेन. ये वो मीटिंग में पार्टिसिपेट तो कर सकता है, मीटिंग में आके बोल तो सकता है, अपना ओपिनियन रख सकता है, ठीक है, मगर वो क्या नहीं कर सकता, उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता जिसके ऊपर वो ऑलरेडी वोट कास्ट कर चुका है. बात समझ आई. अब ये बोलता है, एट द एंड ऑफ द रिमोट ई वोटिंग पीरियड द फैसिलिटी शैल फोर्थविथ बी ब्लॉक्ड. ये बोलता है कि भाई आपने क्या किया, मीटिंग आपकी चालू हो रही है, मान लो 26 तारीख को, 26 को आपकी मीटिंग है, तो आपने रिमोट ई वोटिंग तीन दिन पहले चालू करने का है. तो अब तीन दिन पहले चालू करा, मान लो 23 तारीख को आपने चालू करा, या चलो 22 तारीख को, ज़्यादा दिन भी तो दे सकते हैं ना अपन. चलो लेट से 22 तारीख को अपन ने चालू करा, 22 तारीख आप वोटिंग कर सकते हो, 23 तारीख को वोटिंग कर सकते हो, 24 तारीख को वोटिंग कर सकते हो, 25 तारीख को दिन में 5 बजे तक वोटिंग कर सकते हो. 5 PM तक वोटिंग करना अलाउड है. जिस मोमेंट 5 PM हुआ, उस मोमेंट हम क्या कर देंगे, रिमोट ई वोटिंग को ब्लॉक कर देंगे. अब आप क्या है, दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल. तो कोई बंदा है 5:10 पे गया, ओपन करा उसने, ठीक है, लिखा हुआ है दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, समझ आ गया, बोले भाई तेरी बेइज्जती कर दी, निकल यहाँ से. अगर तेरे को ऑप्शन चाहिए तो ज्यादा ये ऑप्शन अवेलेबल है कि तू मीटिंग में जाके वोट कर सकता है. यहां पे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फैसिलिटी ही हमने क्या कर दी है, ब्लॉक कर दी है. तो ये बोलते हैं फोर्थ विथ का मतलब इमीडिएटली. फोर्थ विथ का मतलब होता है इमीडिएटली, हाथों हाथ इमीडिएटली क्या कर दिया जाएगा, ये फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा. क्या कर दिया जाएगा, बोलो क्या कर दिया जाएगा, फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा. तो क्या बोलता है ये, कि जैसे रिमोट ई वोटिंग का पीरियड खत्म हुआ, द फैसिलिटी शैल फोर्थ विद बी ब्लॉक्ड. फैसिलिटी शैल फोर्थ विद बी प्रोवाइडेड दैट इफ ए कंपनी ऑप्ट्स टू प्रोवाइड द सेम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम एज यूज्ड बाय ड्यूरिंग रिमोट ई वोटिंग ड्यूरिंग द जनरल मीटिंग, दिस सेट फैसिलिटी शैल बी इन ऑपरेशन टिल ऑल द रेजोल्यूशंस आर कंसिडर्ड एंड वोटेड अपॉन इन द मीटिंग and may be issued used for voting only for the members attending the meeting and who has not exercised the right to vote through remote e-voting. अब ये बोलता है कि देखो, आप लोग मीटिंग अटेंड करने आए, कंपनी बोलती है यार ये पोल वोल हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे यार, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, एक एक बंदा आएगा, 4 पोलिंग बूथ रखो, फिर एक एक बंदा आएगा वोट करेगा, ये सारे काम अपने को नहीं करने का. क्या नहीं करने का अपने को, ये पोलिंग बूथ वगैरह ओपन करके फिर उसमें पोल पे वोट ऑर्गेनाइज करवाना, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. क्या करने का है, ई वोटिंग फैसिलिटी को चालू कर देते हैं. तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, कि 5 बजे अपन ने जैसे इसको बंद करवाया, उसके बाद अगले दिन जैसे ही मीटिंग चालू होगी, ठीक है, तो सिर्फ उन लोगों के अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे जिन्होंने वोटिंग नहीं करी है, जिन्होंने एक बार वोट कास्ट कर दिया उनके अकाउंट वैसे ही यहाँ पे लॉक्ड हो जाएंगे, समझ आ गया, वो तो दोबारा जा ही नहीं सकते, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी कास्टेड द वोट, लिखा हुआ आ जाएगा उनके, ठीक है, स्क्रीन पे कि भाई तुम वोट कर चुका है, अब तू दोबारा वोट कास्ट नहीं कर सकता. मगर अगर समझो कि हो क्या रहा है, कि अगर किसी पर्सन ने, ठीक है, क्या नहीं करा है, अगर किसी पर्सन ने वोटिंग नहीं करी है
तो उन सारे के अकाउंट्स को क्या कर दिया जाएगा, फिर से रीओपन कर दिया जाएगा, फिर से ई वोटिंग आपकी रीओपन कर दी जाएगी। अब आप यहीं पे बैठ के, आप सब लोग मीटिंग में आए हैं, आप सब लोग मीटिंग में बैठे हैं, आप सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, वाईफाई का पासवर्ड ये रहा, वाईफाई का पासवर्ड देके आपको क्या करवा दिया, आपको कनेक्ट करवा दिया, ठीक है, वाईफाई का पासवर्ड देके आपको कनेक्ट करवा दिया। जैसे आपके सारे के सारे फोन्स कनेक्ट हुए, आपको क्या कर दिया जाएगा, नाउ कंपनी सेक्रेटरी विल टेल यू द प्रोसीजर हाउ टू कंप्लीट दिस ई वोटिंग। ई वोटिंग को कंप्लीट कैसे करा जाएगा उसके बारे में आपको कंपनी सेक्रेटरी आगे बताएंगे। तो फिर कंपनी सेक्रेटरी आगे आएगा, फिर वो क्या करेगा, स्क्रीन ओपन करेगा कि देखिए आपका मोबाइल इस तरीके से दिख रहा होगा। आप एक काम करिए, गूगल पे जाइए, ये चीज टाइप करिए। जैसे आपने ये चीज टाइप करी, बोले कर दी सबने टाइप, बोले हाँ कर दी सबने टाइप, ठीक है, तो आप NSDL की वेबसाइट पे आ गए, सब लोग आ गए NSDL की वेबसाइट पे, बोले हाँ सब लोग आ गए, तो पीछे से मान लो कोई और बोलता है, जैसे मान लो ये बोलती है कि नहीं मैं नहीं आ पाई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, असिस्टेंस के लिए एक बंदे को भेज देंगे, प्लीज आप चेक कर लीजिए, उधर से पीछे से बंदा एक आएगा असिस्टेंस के लिए, मैम एक सेकंड, मैम इंटरनेट ऑन भी करना पड़ता है इसके लिए। अरे मतलब अरे कनेक्ट ही नहीं करा इसने, वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो भले मैडम इंटरनेट ऑन भी करना पड़ता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर हो गया, पहुंच गए, वो अपनी जगह पे चला गया। हाँ जी, अब इसके बाद NSDL की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे आके करना है, ई वोटिंग लिखा हुआ आ रहा है, आपको इस ई वोटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है, सबने कर दिया क्लिक, बोले हाँ कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, हो गया सबका क्लिक, बोले ठीक है, ओ हो मेरा फोन ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, पीछे से एक लड़का आएगा, बोले लीजिए मेरे फोन में चालू कर लीजिए और बोलो, ठीक है, मेरे लैपटॉप में, आप मेरे पास आके बैठिए, मेरे लैपटॉप में करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है भाई, ठीक है, उसने चालू करवा दिया। उसके बाद क्या बताएगा, उसके बाद आप जाइए कंपनी का नाम सेलेक्ट करिए, कंपनी का नाम सेलेक्ट करिए, बोले प्लीज़ किसी और कंपनी का नाम मत सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, इसी कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, आपने कंपनी का नाम सेलेक्ट किया, आपके कंपनी का नाम सेलेक्ट करते ही फिर आपके पास क्या आएगा, आपके पास पूछेगा लॉगिन आईडी पासवर्ड। जैसे आपने कंपनी का नाम सेलेक्ट करा तो अब लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछेगा, ठीक है, तो आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मेल पे हमने भेज रखे हैं, ठीक है, आप अपने मेल पे एक बार जाके उसको कॉपी कर लीजिए। आपने लॉगिन आईडी को कॉपी करा, आपने पासवर्ड को कॉपी करा, आपने जैसे उस पर क्लिक करा तो फिर आपके सामने सारी की सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स आ गई कि आपके पास इतने शेयर्स हैं, इसका मतलब आपके पास इतने वोट्स हैं, ठीक है, और आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि फेवर में कितने वोट्स कास्ट करने हैं, अगेंस्ट में कितने वोट्स कास्ट करने हैं, ठीक है, अगेंस्ट में करना है कि फेवर में करना है, तो आपने उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, कि फेवर में करना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, जैसे आपने उसको क्लिक करा, ठीक है, आपने उस पर एंटर करा, आपने जैसे ही करा, ठीक है, उसके बाद वो वोट कास्ट हो गए, ठीक है, और वो दिखा देगा यू हैव वोटेड, ठीक है, अब आपके पास वो ऑप्शन कुछ नहीं है, वो इस पेज वैसे दिखेगा, यू हैव वोटेड, अब आपकी वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब आप उसको हटा दो पेज को, खत्म, बस उस पर लॉग आउट कर देना, ठीक है, और बाहर आ गया, ठीक है, डिलीट कर, मतलब हो गया काम खत्म, समझ आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है, सामने के सामने हेल्प करा के आपकी ई वोटिंग करवा दी जाएगी। बोला समझ आया कि नहीं आया, 5 मिनट 10 मिनट का काम लगा मैक्सिमम, वहाँ पे वगैरह वहीं पे पोल ऑर्गेनाइज हो जाता तो पोल के चक्कर में हमारे, ठीक है, 2-3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं यहाँ पे कम से कम, समझ आ रहा है क्या, ठीक है, इस चक्कर में हम लोग को क्या करना पड़ा, ई वोटिंग हम लोगों ने करवाना चालू कर दिया, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, समझ आ गया क्या, ठीक है। अब ये बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटिनाइजर, अब ये स्क्रूटिनाइजर कौन होता है, देखिए भाई होता ये है कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी यहाँ पे ना, ठीक है, एक बंदे को अपॉइंट करेगी, उस बंदे को हम बोलते हैं स्क्रूटिनाइजर। ये स्क्रूटिनाइजर कौन होता है, देखिए स्क्रूटनी करने के लिए हम एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, स्क्रूटिनाइजर बोलते हैं उसे। स्क्रूटनी का मतलब होता है एक तरीके से कि भाई जो तुम्हारी रिमोट ई वोटिंग हुई है या जो तुम्हारी ई वोटिंग हुई है, अगर कंपनी का कोई बंदा है, मान लो मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ और मान लो कि फेवर में वोट हुए हैं 49 और अगेंस्ट में वोट आ रहे हैं 50, रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ ना, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने झूठ बोल दिया, हो गया रेजोल्यूशन पास, तो मैं तो क्या है कंपनी में इंटरेस्टेड आदमी हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं झूठ बोल दूँ, हो सकता है कि मैं क्या कर दूँ, हो सकता है कि मैं झूठ बोल दूँ, अब हो सकता है कि मैंने झूठ बोल दिया, फिर क्या होगा, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ क्योंकि मैं कंपनी से एसोसिएटेड हूँ, ठीक है, अच्छा मैं कंपनी का खुद का ऑडिटर हूँ, मैंने भी झूठ बोल दिया मान लो, या फिर मान लो कि मैं कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, तो मैंने झूठ बोल दिया, अब मैं क्या करूं क्योंकि मैं तो इंडिपेंडेंट हुई नहीं ना यहाँ पे, तो मैं झूठ बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, ना हाउ कैन यू ट्रस्ट मी, नहीं कर सकते, तो कंपनी को यहाँ पे किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो कंपनी विल अपॉइंट अ इंडिपेंडेंट पर्सन, लेट्स फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल CA, CS, CMA या एडवोकेट या किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, बट होना चाहिए वो एक वेल रिप्यूटेड पर्सन, ठीक है, जिसके ऊपर लोग विश्वास कर सके, ऐसे नहीं, ठीक है, कि बार भी फेल को ले लिया आपने यहाँ पे, ठीक है, हाँ भाई, बोले क्या काम करता है, बोले दूसरी कंपनी में चपरासी की नौकरी करता हूँ, ठीक है, सफाई वगैरह करता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रूटिनाइजर बन के बैठा हूँ, ठीक है, तो ये काम तो नहीं होगा ना भाई,
स्क्रूटिनाइजर अगर आपको अपॉइंट करना है तो किसी वेल रेप्यूटेड पर्सन को अपॉइंट करोगे जिसपे एवरीबडी कैन ट्रस्ट, समझ आ गया, जो इस काम को ढंग से कर सकेगा, तो कंपनी यहाँ पे एक स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करेगी। आपको पता है ये स्क्रूटिनाइजर के बारे में इतना डिटेल में मैंने इसलिए बताया क्योंकि सेम टाइप का स्क्रूटिनाइजर आपके पोस्टल बैलेट में भी अपॉइंट होगा। किस में अपॉइंट करा जाएगा? पोस्टल बैलेट में भी अपॉइंट किया जाएगा। सर ये पोस्टल बैलेट का मतलब क्या होता है? पोस्टल बैलेट में मीटिंग बुलाते ही नहीं हम, और घर बैठे बैठे रेजोल्यूशन पास करने के लिए बोल देते हैं। तो घर बैठे बैठे रेजोल्यूशन आपने पास कर दिया, कंपनी के पास आपने अपने लेटर्स भेज दिए रेजोल्यूशन पास करके, तो वो अपनी कस्टडी में कौन रखेगा? स्क्रूटिनाइजर। उसी तरीके से यहाँ पे भी कौन होगा? स्क्रूटिनाइजर ही काम करेगा कि चेक करके बताएगा कि मेजॉरिटी वोट्स पास हुए कि नहीं हुए, रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ गया। अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटिनाइजर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट वन और मोर स्क्रूटिनाइजर हु शैल बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, CS इन प्रैक्टिस, एडवोकेट और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड इज अ पर्सन ऑफ रेप्यूट, समझ आ गया ना, ठीक है। हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड कैन स्क्रूटिनाइज द वोटिंग एंड रिमोट ई वोटिंग प्रोसेस इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो देखो कितना पैराग्राफ इतना बड़ा सा बना के दे रखा है, बट कॉन्क्लूजन इतना सा है, समझ रहे हो क्या? तो कॉन्क्लूजन इतना सा है, बोले क्या? बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करेंगे। स्क्रूटिनाइजर कौन होगा? CA, CS, CMA, एडवोकेट इन प्रैक्टिस, ठीक है, ठीक है, या कोई भी पर्सन जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, एंड ही शुड बी अ पर्सन ऑफ वेल रेप्यूट, मतलब एक अच्छी रेप्यूटेशन का बंदा होना चाहिए, समझ आ गया, जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकें। तो ही शुड बी अ पर्सन ऑफ वेल रेप्यूट, एक रेप्यूटेड पर्सन होना चाहिए जिसको लोग, जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकें, ठीक है। और वो क्या करेगा? वो वोटिंग को क्या करेगा? फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में, ठीक है, चेक करेगा कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर ई वोटिंग हुई है कि नहीं हुई है, और रिमोट ई वोटिंग के जो डिसीजन है वो चेक करेगा, समझ आ गया। Provided that the scrutinizers are appointed may take assistance of a person who is not in the employment of the company and who is well versed with the electronic voting system. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के बारे में किसी को पता है? कोई मार्केट में बंदा है, कोई इंजीनियर है जिसको इस चीज़ के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट है, तो मैंने उसकी हेल्प ले ली, आ गया समझ में? मगर वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, आ गया ना समझ में? फंक्शन क्या है? अरे बताएगा कि बताएगा ना कि क्या रिजल्ट आया, तो इसको क्या बोलते हैं? लॉ क्या बोलता है? द स्क्रूटिनाइजर शैल बी विलिंग टू बी अपॉइंटेड एंड बी अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द रिक्विजिट मेजॉरिटी, कि रिक्विजिट मेजॉरिटी आई कि नहीं आई, रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ। तुम यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना चाहते थे, तुम्हारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ। तुम यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते थे, तो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए रिक्विजिट मेजॉरिटी आई कि नहीं आई, तो इस चीज को कौन असर्टेन करेगा? तो इसीलिए वो मीटिंग में अपॉइंट, इसलिए उसको अपॉइंट किया गया है, इसीलिए वो मीटिंग में अवेलेबल रहेगा ताकि वो असर्टेन कर सके रिक्विजिट मेजॉरिटी को। बोलो समझ आएगी नहीं आई? पक्का? तो कौन हो सकता है स्क्रूटिनाइजर? CA, CS, CMA, एडवोकेट इन प्रैक्टिस, ठीक है, और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी बट ही शुड बी अ पर्सन ऑफ वेल रेप्यूट, समझ आ गया। जो क्या रहेगा? जो अवेलेबल रहेगा मीटिंग के अंदर क्या काम करने के लिए? असर्टेनिंग दी रिक्विजिट मेजॉरिटी, असर्टेनिंग दी, सुनाई नहीं दी, असर्टेनिंग दी, असर्टेनिंग दी, असर्टेनिंग दी, असर्टेनिंग दी, समझ आया? रिक्विजिट मेजॉरिटी को निकालने के लिए कि भैया मेजॉरिटी वोट्स मिले कि नहीं मिले, इस चीज को चेकआउट करने के लिए वो क्या करेगा? इंश्योर करेगा, ठीक है, इस चीज के लिए वो, इसी चीज के लिए तो उसका अपॉइंटमेंट किया गया है, yes. समझ आ गया। रोल ऑफ चेयरमैन, तो चेयरमैन एट द जनरल मीटिंग एट द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ द रेजोल्यूशंस ऑन विच वोटिंग इज टू बी हेल्ड अलाउ वोटिंग एज प्रोवाइडेड इन क्लॉज A-H ऑफ रूल 21 एज एप्लीकेबल विद द असिस्टेंस ऑफ स्क्रूटिनाइजर बाय द यूज ऑफ बैलेट और पोलिंग पेपर और बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम फॉर ऑल दोज मेंबर्स who are present in the meeting but not have casted their votes for availing by availing the remote e-voting facility. देखिए सीधी सी बात है, ये बोलता है चेयरमैन क्या करेगा एट द जनरल मीटिंग एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, ठीक है, ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच वोटिंग्स टू बी हेल्ड। आसान करते हैं इसको, देखो समझो, ये बोलता है कि जो जो कंपनी का चेयरमैन है, ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन डिस्कशन करेंगे मैटर के ऊपर, बढ़िया डिस्कशन हो गया, अब इसके लिए रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं। तो अभी अभी जो चेयरमैन है उसने कंप्लीट कर दिया डिस्कशन पूरा, उसके बाद उसको लगता है कि अब इस पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, तो विद द असिस्टेंस ऑफ स्क्रूटिनाइजर, तो स्क्रूटिनाइजर है मान लो ये,
टेक नहीं है तो टेक्निकल है, इसको तो नहीं ले सकते। स्क्रूटिनाइजर है, मान लो ये स्क्रूटिनाइजर है, ठीक है, इसको बड़ी नींद आती है क्लास के अंदर, सुबह वाली क्लास के अंदर, ठीक है, ऑडिट वाली क्लास के अंदर ऐसे कर रहा था, ठीक है बेटा इसको तो आगे बैठाऊंगा यहाँ पे, ठीक है अलग से। क्या लासा की जगह? हाँ तो ये लासा को गोद में रख लेगा, ठीक है। हाँ उसका नाम है यार, उसका नाम है ऐसे के, उसका ब्रीड के नाम से, ऐसे थोड़ा आदमी आदमी थोड़ी करता रहेगा इंसान को ऐसे, ठीक है। और भाई इंसान कैसे हो और आदमी कैसा है ऐसे, बेला, हाँ हाँ बेला, एना बेला नहीं, वो शी इज ओनली बेला, ठीक है। हाँ वो एक मूवी आई थी ना ट्वाइलाइट, हाँ तो उसके बाद, ठीक है, तो उसके अंदर जो एक्ट्रेस थी उसका नाम था उस मूवी के अंदर बेला, तो मैंने भी मेरी बच्ची का नाम रख दिया बेला, ओके। हाँ हाँ अरे अरे भाई रुक जाओ यार, ठीक है क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं? ओ भाई बोले कहा जा रहे हैं वो एक ट्वाइलाइट, ओहो क्या लगी है जोर से लगी है, बोले क्या लग रही है भाई, क्या बोल रहा है तू यार, ट्वाइलाइट ट्वाइलाइट, ठीक है वैम्पायर्स वाली मूवी, ठीक है वो वाली नहीं अक्षय कुमार की, गजब आदमी है यार ये बेला विल बी लाइक गजब बेइज्जती है बोले लेके आओ कभी उसे काटूंगी ना, ठीक है उसके बाद उसे पता लगेगा क्या होता है। चलिए हाँ सब लगवा रखा है, चलिए सुनिए, तो रोल ऑफ चेयरमैन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे बात कर रहे थे चेयरमैन शैल एट द जनरल मीटिंग एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, जैसे डिस्कशन हो गया कंप्लीट और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, कोई डिस्कशन करना चाहता है, एवरीबडी इज लाइक नो सर, ठीक है, ऑन विच वोटिंग इज टू बी हेल्ड, ठीक है बोलते हैं ठीक है इसके लिए वोटिंग चालू करवाते हैं, तो वोटिंग चालू करवाने के लिए मैंने कहा स्क्रूटिनाइजर प्लीज आप यहाँ आइए, ठीक है स्क्रूटिनाइजर को बुलाया मैंने, अरे अरे नहीं सच में नहीं आना, ठीक है सच में आके खड़ा हो जाए यहाँ पे, ठीक है मैंने कहा ये लो बैलेट पेपर्स बांट दो सबको, ऐसे नहीं करना, ठीक है तो ये वाला पार्ट हटा देंगे, अलाउ वोटिंग ये हटा देंगे, इसको नहीं याद करने इतना ज़्यादा क्योंकि ऐसी चीज़ें याद नहीं रह पाएगी अपने को, ठीक है अलाउ वोटिंग विद द असिस्टेंस ऑफ स्क्रूटिनाइजर, स्क्रूटिनाइजर को बुला लिया बाय यूज ऑफ बैलेट, ये रे पोस्टर ये रे बैलेट, आओ बैलेट बॉक्स में आके करो वोटिंग, नालायक घर से करके नहीं आए, पोलिंग पेपर दे देंगे, ठीक है बांट के आओ सबको, चलो नहीं इसको नहीं भेजेंगे, स्क्रूटिनाइजर को नहीं भेजेंगे, आदमी को भेजेंगे, ये सबको बांट दो, ठीक है। और तीसरा है बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, सर ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि स्मार्ट आंसर, वेरी स्मार्ट, कितने लोग हैं और समझ रहे हो, तो कितने आदमी हैं उस पे डिपेंड करता है। बोले मालिक तीन, बोले एक काम कर उनको तो ओरली पूछ लेते हैं, ठीक है बोले आइए बैलेट पे आइए, बोले 50 आदमी बैलेट पे आ जाओ, ठीक है बोले सर 200 आदमी पोलिंग पेपर बांट दो, बोले सर 1500 लोग हैं सर, अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाओ यार, ठीक है इतने लोग आते रहेंगे 4 दिन लग जाएंगे, समझ आ गया यस और नो फॉर ऑल दोज मेंबर्स, ठीक है। अच्छा ये किसके लिए एक फैसिलिटी होगी? सिर्फ, अरे नहीं बाबा, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने रिमोट ही वोटिंग नहीं करी थी, बाकियों के लिए थोड़ी है, बाकी तो करके आए ना वोटिंग। वैसे ही दो क्लास में मैंने क्या करा, क्लास में आप लोग को मैंने कहा याद करके आना, तुम लोग याद नहीं करके आए, आधे लोग याद करके आए मैंने उनको बैठाए रखा, अब बाकी जो याद नहीं करके आए मैंने उनको खड़ा रखा, सिर्फ उन लोगों को जो घर से याद करके नहीं आए तब तक खड़े रहेंगे जब तक क्लास में याद नहीं हो जाता, बस सिंपल। वैसे ही यहां पे लिखा है कि जो लोग घर से वोटिंग करके नहीं आए उनके लिए यहां पे ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आगे समझ में।
फिर क्या करेंगे, काउंटिंग ऑफ वोट्स। अरे कौन करेगा काउंटिंग ऑफ वोट्स? तुम्हें अपॉइंट क्यों करा है स्क्रूटिनाइजर? क्यों अपॉइंट करा है बताइए? यू शुड फील लाइक यू नो गुड, मैंने तुम्हें स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करा है, पर्सन ऑफ वेल रिप्यूट। मैं तो कर रहा हूं, नहीं पर्सन ऑफ वेल रिप्यूट होना चाहिए, आप उसकी इज्जत करो ना करो वो अलग बात है, ठीक है। चलिए कास्ट काउंटिंग ऑफ वोट्स। अरे शांति शांति शांति, है ना, अरे चुप रहो भाई चुप रहो, ठीक है। द स्क्रूटिनाइजर शैल, स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा भाई, शैल इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द वोटिंग एट द जनरल मीटिंग। हाँ, आर यू डन विद द वोटिंग? आप लोग हो चुका है आप लोग का पूरा वोटिंग का काम? चलिए ठीक है। फर्स्ट काउंट द वोट कास्ट एट द मीटिंग। पहले तो टोटल वोट कितने आए वो काउंट करेगा, ठीक है। मेंबर कितने हैं टोटल मीटिंग में? और 1000 यहाँ पे आए, 850 वोट, ठीक है 850 मेंबर है, 1000 वोट्स आए हैं, 850। किसके? अरे नहीं बाबा, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, सबने नहीं किया ना, कुछ है ना अलग ही एटीट्यूड में। अरे मैं नहीं कर रहा, कुछ है ना अलग ही, फोन बंद हो गया, नहीं हो सकता है दो चार शेयर हो, बेइज्जती के मारे नहीं कर रहे, ठीक है। अरे यार इधर ध्यान दो तुम, ठीक है। तो काउंट करा 1000 मेंबर से, 850 की वोटिंग आई है। तो सबसे पहले फर्स्ट काउंट करेंगे वोट कास्ट एट द मीटिंग, देयर आफ्टर अनब्लॉक द वोट्स कास्ट थ्रू रिमोट ई वोटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेस नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। फिर हमने 2 विटनेस इसको और बुला लिया। अब ये जो है ना, ये तो अभी के हैं जो सामने के सामने आए। फिर अब हम ओपन करने वाले हैं वो बॉक्स 2 विटनेसेस के सामने, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। दिस मैजिकल बॉक्स हम लोग ओपन कर रहे हैं, उससे आया 2000 वोट्स कास्ट हुए थे। नाउ टोटल वोट कास्टेड आर 2850, समझ आ गया। एंड मेक नॉट लेटर देन 3 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग अ कंसोलिडेटेड स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट इन द फेवर। इसमें 3 दिन का समय लगेगा मेरे को, ठीक है, फेवर में कितना है अगेंस्ट में कितना है इफ एनी, टू द चेयरमैन और टू द पर्सन ऑथराइज बाय हिम इन राइटिंग हू शैल काउंटर साइन द सेम। समझ आ गया। तो कितना समय लगेगा इस चीज में? 3 दिन का, नॉट मोर देन 3 डेज। और ये जो है पूरी रिपोर्ट बना के अपन किसको दे देंगे? चेयरमैन को, समझ आ गया, बोलो भाई। और वो भी इस पे क्या कर देगा? साइन कर देगा। हाँ रेजोल्यूशन तो पास हो चुका है, डिसीजन 3 दिन बाद पता चलेगा कि क्या रेजोल्यूशन पास हुआ। 30 दिन का 2 विटनेस क्या करेंगे? 2 विटनेस बस एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्राइटेरिया नहीं बता रखा, बस ये बोल रखा है कि बस ये बोल रखा है कि वो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होने चाहिए, कुछ और लाइन ही नहीं लिखी हुई, बस ये लिखा है 2 विटनेस नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। अब तुम सड़क पे चलते लोगों को तो लेके नहीं आओगे ऑब्वियसली, ठीक है, रास्ते से जा रहे हो। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, पैसे कमाओगे क्या? बोले हाँ कितने? बोले 200 रुपये दे देंगे तुम्हें, चलो 2000 रुपये दे देंगे तुम्हें। बोले काम क्या करना होगा बताइए? हाँ बोले कुछ नहीं, तुम्हें ऐसे विटनेस बन के खड़े रहना है बस, ऐसे तो नहीं करेंगे ना भाई, पर्सन तो कुछ वेल रिप्यूट या फिर कोई तो इस तरीके का पर्सन होगा। अब जैसे स्क्रूटिनाइजर है, उसके 2 आर्टिकल असिस्टेंट्स को बुला लिया जो उसके पास इंटर्नशिप कर रहे हैं ना, उसने बोल दिया बच्चा आ जाओ इधर चलो। बोले सर क्या हो गया? आ जाओ चलो चलो, ठीक है। अब अपन तो क्या कर लेंगे, 2 विटनेसेस के पैसे ले लेंगे और उनको देना नहीं है। अब उनको क्या है, आपने पैसा कमाना है बस। समझ आ गया क्या? इंटर्नशिप क्या है, फ्री का नौकर? हाँ हाँ, मेरे को कितने मिले थे? मेरे को मेरी इंटर्नशिप पे पैसे मिले थे? हाँ मुझे मिलता था चेक, उसके बाद कैश ले लेते थे मेरे से, मैं भी वही करता हूँ। नहीं प्रैक्टिस में तो हूँ मैं, बट मैं प्रैक्टिस करता नहीं हूँ, मतलब वैसे बैंक ऑडिट वगैरह आ जाती है तो मैं जा सकता हूँ, ठीक है, बट मैं वैसे इसको टाइम नहीं देता, वैसे तो प्रैक्टिस में हुई ना मैं, पैसा आना है आ रहा है एक जगह से तो क्यों वेस्ट करें अपन से। हाँ
नहीं सर, पनीर वनीर भी हो जाता है सर ऐसे। हाँ सर, पनीर वगैरह भी हो जाता है सर। इंडिया की ट्रिप्स और फॉरेन ट्रिप्स भी हो जाती है सर, ठीक है। फॉर्चुनर तो मैं सर लद्दाख की ट्रिप के लिए ले रहा हूँ। हाँ नहीं, उसके बाद फिर क्या है, फिर ऐसा लग रहा है कि फिर वहाँ जाके आएंगे। फिर ऐसे फॉर्चुनर में क्या होता है, एक रुतबा अलग होता है उसका, क्या पुलिस वाला रोकता नहीं है उसके बाद। बोले बस, और सामने भी क्या है, कोई कोई आके कोई छोटी मोटी गाड़ी वाला कुछ पंगे नहीं लेगा, पर रहन दे यार से, रहन दे, मार मार के चले जाएगा। गाड़ी के ऊपर से फॉर्चुनर चढ़ा के चला जाएगा। सर रॉक के लिए ले रहा हूँ मैं, शो ऑफ, और कुछ नहीं। क्या करना है मेरे को फॉर्चुनर का? ऐसा रॉक बनता है उससे एक अलग ही, ऐसे सस्ता मिनिस्टर लगता है आदमी। चलो मजाक की बात है, इधर आ जाओ, ठीक है। हाँ ऐसे ही होता है। अरे नहीं मैं समझ गया, चलो। मगर और कोई पूछ लेगा सर ये क्या बोली, फिर वो समझाऊंगा। तो मैंने कहा अरे चलो आगे देखते हैं। अब आपको पता है क्या हुआ, हु विल काउंटर साइन द सेम, तो इधर स्क्रूटिनाइजर आया, इसको ले जाके इसने काम वाम कर लिया अपना, 3 दिन बाद इसने अपनी रिपोर्ट ला के दे दी। तो कॉपी भिजवाओ जल्दी से फटाफट से, अभी दे दो। आज जैसे स्क्रूटिनाइजर की तरह से आप देख सकते हो रिपोर्ट आई है मेरे पास, इसने इधर से इधर पास ऑन कर दी, और आई गॉट दिस रिपोर्ट फ्रॉम स्क्रूटिनाइजर। ये रिपोर्ट किसकी है भाई? स्क्रूटिनाइजर की। आपके सामने आई है अभी, ऑनलाइन वाले भी देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम सामने आई है, ठीक है। अभी ये स्क्रूटिनाइजर, मैं कौन हूँ? चेयरमैन ऑफ द कंपनी, मैं इस पे देखूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, रेजोल्यूशन पास हो गया, ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, फेवर में इतने वोट्स हैं, अगेंस्ट में इतने वोट्स हैं, बढ़िया। मैंने इधर क्या कर दिया, काउंटर साइन कर दिया। समझ आ गया क्या? ठीक है, क्लियर है आपको? बताइए जल्दी से। तो इधर से क्या है, काउंटर साइन कर देगा। प्रोवाइडेड दैट द चेयरमैन ऑफ द पर्सन ऑथराइज बाय हिम इन राइटिंग शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग फोर्थविथ। इमीडिएटली वोटिंग का जो रिजल्ट आया है वो क्या कर दिया जाएगा, पब्लिक में अनाउंस कर दिया जाएगा। जनरली कंपनी का जो चेयरमैन होता है ना, वही मीटिंग का चेयरमैन बनता है, ठीक है। और यहाँ पे अपन चेयरमैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अ पर्सन ऑथराइज बाय हिम इन राइटिंग, यहाँ पे कंपनी के चेयरमैन की बात हो रही है। और कंपनी में अगर चेयरमैन ही नहीं है तो उस केस में जो ऑथराइज पर्सन है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, ठीक है, नहीं तो मीटिंग का चेयरमैन, ठीक है। इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट द मैनर इन विच मेंबर्स हैव कास्ट देयर वोट्स दैट इज अफर्मिंग और नेगेटिंग द रेजोल्यूशन शैल रिमेन सीक्रेट एंड नॉट बी अवेलेबल टू द चेयरमैन। तो तुम मेरे को ये मत बताना कि किस आदमी ने फेवर में किया, किस आदमी ने अगेंस्ट में वोट किया, दैट्स अ टॉप सीक्रेट। समझ रहे हो ना तुम स्क्रूटिनाइजर? तो तुम मेरे को ये आके बताओगे कि फेवर में कितने वोट्स हुए, अगेंस्ट में कितने वोट्स हुए, बट तुम मेरे को ये आके नहीं बताओगे कि किस आदमी ने फेवर में किया, किस आदमी ने अगेंस्ट में किया। पता लगे अपने को, ठीक है। नाम बोलो एक बार। हितेश, रितेश, रितेश ने नेगेटिव वोट कर दिया। मैं सोच के बैठा था ये तो पॉजिटिव करेगा, ये तो फेवर में करेगा, धोखा दे दिया इस आदमी ने मेरे को। तो क्या है, ऐसे विश्वास उठ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर मैं इसको कंपनी से निकाल दूंगा भाई, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। तो मेरे को बताना मत कि किसने फेवर में किया, किसने अगेंस्ट में किया, वो बात से तुम्हारे तक ही रहेगी। स्क्रूटिनाइजर और एनी अदर पर्सन टिल दी वोट्स आर कास्ट इन दी मीटिंग। हाँ अरे नहीं, तब पर्सन ऑफ वेल रेप्यूट है भाई, इंडिपेंडेंट पर्सन है, ऐसे थोड़ी लेगा थोड़े से पैसों के लिए। अरे ज्यादा कौन देगा यार, नॉर्मल कंपनी के अंदर रेजोल्यूशन पास करना है, उसके लिए कोई ऐसे थोड़ी है, कोई ऐसे कंपनी तुम्हारे नाम थोड़ी हो, जायजा तुम्हारे नाम थोड़ी हो रही है जितना पैसा दोगे तुम, ठीक है। ये पता नहीं है, मतलब घूस ही देना चाहता है आदमी, बिकाऊ समझ रखा है इसने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकाऊ नहीं है भाई। एक सेकंड, क्या एक और बार बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दिया ढंग से। अरे नहीं सच में सुनाई नहीं दिया भाई। अरे मैं इसको मना कर रहा था, अरे रुको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ नहीं नहीं पहले से, मतलब जिस मोमेंट हम लोग नोटिस वगैरह भेजते हैं ना, उस मोमेंट हम लोग फाइनलाइज कर देते हैं स्क्रूटिनाइजर को। फिर जितने भी वोट्स आना चालू हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट हो गया, फिर उसकी ड्यूटी चालू हो जाएगी मीटिंग के साथ। जिस मोमेंट हमने मीटिंग चालू करी, उस मोमेंट उसकी ड्यूटी चालू हो जाएगी। फिर वो मीटिंग के अंदर ये सारे काम करेगा, और मीटिंग से लेकर 3 दिन के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट करके दे देगा। हाँ हाँ उसका काम चालू हो जाएगा, करेक्ट।
समझ आ गया ना? ठीक है, अब आता है एक्सेस टू डिटेल्स. फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग दैट मेंबर्स हु हैव कास्ट देयर वोट्स थ्रू रिमोट ई वोटिंग डू नॉट वोट अगेन इन द जनरल मीटिंग, द स्क्रूटिनाइजर शैल हैव एक्सेस आफ्टर द क्लोजर ऑफ द पीरियड फॉर रिमोट ई वोटिंग एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ जनरल मीटिंग टू डू डिटेल्स रिलेटिंग टू मेंबर्स एज देयर नेम, फोलियोज, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एंड सच अदर इन्फॉर्मेशन दैट द स्क्रूटिनाइजर मे रिक्वायर हु शैल कास्ट वोट थ्रू रिमोट ई वोटिंग बट नॉट द मैनर इन विच दे हैव कास्टेड देयर वोट. अब ये बोलता है, देखो एक बात समझो, आसान तरीके से समझना. देखो यार, खुद सोचो प्रैक्टिकली कि उन लोगों के नाम तो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे ना जिन्होंने एक्चुअली में वोट कास्ट कर दिए. अब ये मत बताओ कि उन्होंने कितना फेवर में किया था, कितना अगेंस्ट में किया, ये डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट कौन कौन सा बंदा रिमोट ही वोटिंग कर चुका है इसके नाम तो आ जाना चाहिए. तो यही बोल रहा है कि एक्सेस टू डिटेल्स, कि मेंबर जिन्होंने ऑलरेडी वोट कास्ट कर दिया है वो दोबारा से वोट कास्ट ना कर दें, इसके लिए स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, स्क्रूटिनाइजर के पास एक्सेस होना चाहिए. द स्क्रूटिनाइजर शैल हैव एक्सेस आफ्टर द क्लोजर ऑफ द पीरियड फॉर रिमोट ही वोटिंग. तो रिमोट ही वोटिंग अपन ने 5 बजे बंद करा दी, तो मीटिंग चालू हो गई अपनी, मीटिंग चालू होगी अगले दिन, तो 5 बजे अपन ने रिमोट ही वोटिंग बंद करा दी. उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रूटिनाइजर को हाथों हाथ बता देंगे, और इनफैक्ट पहले ही बताना चालू कर देंगे कि देखो ये बंदा वोट कर चुका है. तो एक रिपोर्ट क्या है, स्क्रूटिनाइजर के पास जाती रहेगी, जो जो वोट कास्ट करता जा रहे ना उसकी डिटेल डायरेक्टली किसके पास जाती रहेगी, स्क्रूटिनाइजर के पास भी जाती रहेगी कि इस बंदे ने वोट कर दिया, इसका नाम ये है और इसका फोलियो नंबर ये है, इसके पास इतने शेयर है, बस. तो क्या जाएगा, आफ्टर द क्लोजर ऑफ द पीरियड ऑफ रिमोट ही वोटिंग एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ जनरल मीटिंग. तो जनरल मीटिंग चालू होने से पहले पहले इसको बता देंगे, मतलब किसी भी कंडीशन में अगर जनरल मीटिंग 11 बजे चालू हो रही है तो उससे पहले पहले इसके पास लिस्ट आ जानी चाहिए उन आदमियों की जो लोग ई वोटिंग कर चुके हैं. समझ आ गया, ठीक है. और 5 बजे के बाद जैसी मीटिंग, जैसी ई वोटिंग बंद हो जाएगी उसके तुरंत बाद इसको लिस्ट क्या कर दी जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके पास इसकी सारी डिटेल्स होगी कि ये बंदा वोट कर चुका है, ये बंदा वोट नहीं कर चुका है. समझ आ गया क्या, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट तो हमने पहले ही कर दिया था मीटिंग के टाइम पे, मीटिंग चालू करने से, मतलब मीटिंग के लिए जो नोटिस भेजा था उससे पहले ही उसी टाइम पे अपने उसको पहले ही अपॉइंट कर दिया था. टू डिटेल्स रिलेटिंग टू द मेंबर सच एज देयर नेम, मेंबर का क्या नाम है, फोलियो नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एंड सच अदर इन्फॉर्मेशन दैट द स्क्रूटिनाइजर में रिक्वायर, ठीक है, हु हैव कास्ट देयर वोट थ्रू रिमोट ही वोटिंग बट नॉट द मैनर, नॉट द मैनर इन विच दे हैव कास्टेड देयर वोट्स. तो मेरे को कोई मतलब नहीं है अभी कि उन्होंने किस तरीके से वोट किया, फेवर में कितना, अगेंस्ट में कितना, क्योंकि अगर वो बात मैं पब्लिकली रिवील करूंगा कि देखो ऑलरेडी क्या है, रेजोल्यूशन पास हुआ ही नहीं, जो रिमोट ई वोटिंग के थ्रू रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, ये सब डिस्क्लोज नहीं करना है, इससे बाकी लोगों के वोट्स क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं. समझ आई बात. जैसे मैंने आपको कहा इलेक्शंस हो रहे हैं, अब इलेक्शंस में बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, मान लो 50% वोट हुए और 50% वोट होते ही मैंने बोल दिया कि कांग्रेस हार गई या कांग्रेस जीत गई, तो लोग जो 50% जो लोग वोट करने जा रहे हैं वो लोग परेशान हो जाएंगे अब कि क्या करें. समझ आ रही है बात, ठीक है. तो मैंने कहा कि नहीं कांग्रेस हार रही है, बीजेपी जीत गई, तो बाकी लोग क्या है, तो ये सब बताना ही नहीं अपने को, अपने को बस ये बताना है पूरे दिन की मीटिंग एंड हुई, उसके बाद 66% वोटिंग हुई इस बार, एग्जिट पोल तो एग्जाम वो होते हैं, सिर्फ अजम्पशंस होते हैं. समझ आई बात, एस्टिमेशन होता है वो तो सिर्फ एक, बट एग्जैक्ट फिगर्स तो अपन नहीं बता सकते ना, वो तो लोगों से पूछ पूछ के हो जाता है. बट आपको मेन बात समझ आ रही है कि यहाँ पे अपन बता देते हैं ना कितने लोगों ने वोट कास्ट किया इस बार की वोटिंग 76% हुई है, लोग बाहर से वोट करने हैं, तो वही चीज़ डिस्क्लोज हो जाएगी यहाँ पे कि कौन कौन से बंदे ने ई वोटिंग कर दी है. समझ आ गया, बोलो भाई. नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर. द स्क्रूटिनाइजर शैल मेंटेन अ रजिस्टर ईदर मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली टू रिकॉर्ड द असेंट एंड डिसेंट रिसीव्ड, मेंशनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ नेम, एड्रेस, फोलियो नंबर एंड क्लाइंट आई डी ऑफ द मेंबर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, नॉमिनल वैल्यू ऑफ सच शेयर्स एंड वेदर दी शेयर्स हैव बीन डीवीआर, या शेयर के पास डीवीआर है क्या. सो बेसिकली क्या करेगा स्क्रूटिनाइजर, क्या करेगा, प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा. अब चाहो तो फिजिकल रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो, चाहो तो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हो. क्या क्या रजिस्टर के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, मेंबर का नाम, एड्रेस, फोलियो नंबर, क्लाइंट आई डी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, एसेंट में कितने किए, डिसेंट में कितने किए. समझ आ गया, ठीक है. और इसके अलावा अगर उसके पास नॉर्मल शेयर्स हैं या फिर डीवीआर वाले शेयर्स हैं. अब डीवीआर का मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स,
डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स कौन से होते हैं पता है किसी को? बताओ। हाँ, DVR के अंदर आपकी जो वोटिंग होती है वो रिड्यूस कर दी जाती है और आपको बाकी के बेनिफिट्स दे दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो डिविडेंड है वो बाकी लोगों से डबल हो जाएगा, मगर आपकी जो जो आपका वोटिंग है वो आपकी कम हो जाएगी। क्या होता है, इसलिए करा जाता है क्योंकि कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। जैसे अपन, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, अब मैं कंपनी का मालिक हूँ, बट क्या है कि मेरे पास कितने से शेयर्स हैं, मान लो उस कंपनी के से 100 शेयर्स हैं, मैं कंपनी के अंदर चीटी बराबर भी ठीक है यहाँ पे वोट मेरा नहीं जाएगा, समझ रहे हो क्या? तो कंपनी के जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनके वोट्स की कीमत ज़्यादा हो जाए, उनके वोट्स की वर्थ ज़्यादा हो जाए, और जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनके वोट्स की क्योंकि वर्थ नहीं है, आधे से ज़्यादा लोग तो वोट करते भी नहीं है, और जैसे मैंने तो वोट ही नहीं करा ठीक है, तो कंपनी को लगता है कि इंपॉर्टेंट वोट होना चाहिए, सबको कास्ट करना चाहिए, बट लोग वोट नहीं कर रहे, तो कंपनी के अगेंस्ट हो जाता है, कंपनी को लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वोटिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग पावर्स को अलग करने के लिए DVR बना देते हैं, समझ आ गया? तो ऐसे बोलते हैं ना, लोगों के पास 10% वोटिंग पावर होनी चाहिए, तो DVR वालों के पास वोटिंग पावर कम हो जाती है तो बाकी लोगों की वोटिंग पावर बढ़ जाती है, समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट आता है सेफ कस्टडी ऑफ द रजिस्टर। द रजिस्टर एंड ऑल ऑफ द पेपर्स रिलेटिंग टू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन शैल रिमेन इन द सेफ कस्टडी ऑफ द स्क्रूटिनाइजर। कब तक? जब तक चेयरमैन साइन नहीं कर देगा। किसको? मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो जिस दिन चेयरमैन क्या कर देगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को साइन कर देगा, वो बन गया पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब उसमें चेंजेस नहीं करे जा सकते, उसकी बात आप पकड़ लो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब आपको दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे, बट उससे पहले हैंड ओवर नहीं करूंगा, रिस्क रहती है ना। अनटिल द चेयरमैन कंसिडर्स अप्रूव्स एंड साइंस द मिनट्स एंड देयर आफ्टर द स्क्रूटिनाइजर शैल हैंड ओवर द रजिस्टर एंड अदर रिलेटेड पेपर्स टू द कंपनी, और कंपनी को दे देंगे। अब तुम्हें जो देखना है वो देखो, अब तुम्हें जो करना है वो करो, क्योंकि अब तो तुम मिनट्स पे साइन कर चुके हो, मिनट्स पे साइन होते वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया, मिनट्स पे साइन होते पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया, तुमने ROC को दे दिया, वो रजिस्टर्ड हो गया, काम खत्म, अब तुम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आगे समझ में? और रिजल्ट ऑन दी वेबसाइट, द रिजल्ट डिक्लेयर्ड अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ द स्क्रूटिनाइजर शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट इफ एनी। ठीक है, तो वेबसाइट पे क्या कर दिया जाएगा, कंपनी के अपलोड कर दिया जाएगा, समझ आ गया? ऑन दी वेबसाइट ऑफ द एजेंसी इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द चेयरमैन, और एजेंसी मतलब NSDL, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कंपनीज दोज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड द रिजल्ट्स टू द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज, जो लिस्टेड है वो अपने स्टॉक एक्सचेंज को बता देगी। ठीक है, समझ आ गया? और स्टॉक एक्सचेंज भी अपनी वेबसाइट पे रिजल्ट अपलोड कर देगा, NSE BSE, वो भी अपनी वेबसाइट पे इस रिजल्ट को क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। आ गया समझ में? क्लियर है? तो समझ आया कि रिजल्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि वो मीटिंग के अंदर ही आए, मीटिंग के बाद भी कंक्लूजन पता लग सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, पासिंग ऑफ डेट ऑफ रेजोल्यूशन सब्जेक्ट टू द रिसीट ऑफ रिक्वेस्टेड मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स द रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड ऑन द डेट ऑफ द रिलेवेंट जनरल मीटिंग। अब आपने तो वोटिंग 3 दिन पहले कर दी, बट एक्चुअली डेट ऑफ वोटिंग जो है ना वो डेट ऑफ जनरल मीटिंग ही मानी जाएगी, मतलब जो मीटिंग का दिन है उसी दिन आपका रेजोल्यूशन पास हुआ ऐसा माना जाएगा, समझ आ गया क्या? भले ही भाई साहब आपने, हो सकता है कि आपने जो मीटिंग के ऊपर जो रेजोल्यूशन पास करना था वो आपने 3 दिन पहले कर दिया, 4 दिन पहले कर दिया, 5 दिन पहले कर दिया, बट आपका जो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा ना वो मीटिंग वाले दिन माना जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द रिक्वेस्टेड मेजॉरिटी ऑफ वोट्स शैल बी द वोट्स रिक्वायर्ड टू बी पास, ठीक है, पास द रेजोल्यूशन एज द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड द स्पेशल एज द केस में बी ऑफ सेक्शन 114। ये बोलता है ऊपर जो एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं है याद करने की, ये बोल रहा है जो रिक्वेस्टेड मेजॉरिटी है ना, ये जो अपन बार बार रिक्वेस्टेड मेजॉरिटी बोल रहे हैं, उस रिक्वेस्टेड मेजॉरिटी का मतलब है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या जो कि सेक्शन 114 के अंदर आता है, विच कम्स अंडर सेक्शन 114 ऑफ द एक्ट, समझ आ गया? जो किसके अंदर आते हैं, रिक्वेस्टेड मेजॉरिटी का मतलब ये है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने की क्या जरूरत है, समझ आ गया? और ये चीज़ तो अपने को पहले से पता है कि भैया आप यहाँ पे कौन सी मीटिंग के बारे में, कौन से रेजोल्यूशन के बारे में बात करी जा रही है, ऑर्डिनरी या स्पेशल। रेजोल्यूशन नॉट टू बी विड्रॉन, अ रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी कंसिडर थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कैन नॉट बी विड्रॉन। एक बार कंपनी ने कोई पॉइंट रख दिया कि हम इसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, अब वो विड्रॉ नहीं हो सकता, समझ आ गया? बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं, आगे बढ़े। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिमांड फॉर पोल। अब क्योंकि आपको ये चीज़ समझ आ गई है और आपने इसके बारे में अच्छे से समझ लिया है, तो अब आपके लिए ये भी चीज़ें क्या होने वाली है, इजी।
डिमांड फॉर पोल, पोल की डिमांड करने के लिए आपके पास कितने परसेंट शेयर्स होने चाहिए, 1/10, ठीक है, ऑफ दी क्या होने चाहिए, टोटल वोटिंग पावर या 5 लाख रुपए के शेयर्स। समझ आ गया? ठीक है, तो सेक्शन 109 प्रोवाइड्स दैट बिफोर और बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑन वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन बाय शो ऑफ हैंड्स, क्योंकि ये शो ऑफ हैंड्स के बाद ही तो आते हैं ना पोल। समझ आ रहा है? पोल पे वोटिंग ऐसी होती है अकॉर्डिंग टू दी पेड अप शेयर कैपिटल, आपके पास जितने शेयर थे उसके हिसाब से पोल पे वोटिंग होगी यहाँ पे। तो पोल पे जो वोटिंग होती है वो होती है आपके शेयर कैपिटल के हिसाब से, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हैं उसके हिसाब से। मगर शो ऑफ हैंड्स में जो वोटिंग होती है वो कैसे काउंट करी जाती है, इन पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन का कितना वोट रहा है। अरे सर क्या हो गया, अरे क्या हो गया, से कहाँ चले गए थे? ओ सच्ची, चलो ठीक है, आई ट्रस्ट दिस गाय, ही लुक वेरी इनोसेंट। हाँ इनोसेंट तो लगता ही है, देखो एक बार उसे, मासूमियत देखो उसके चेहरे पे। है ना मासूम चेहरा। चलिए सुनिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई मॉम द वन हू इज उस एनी पर्सन जिसकी बियर्ड नहीं है, ठीक है, वो मासूम है। मैं राक्षस लगता हूँ उनको। कम करा लो ना इसे, कम करा लो ना, ये तो काट दूंगी इसे मैं। मैंने कहा हाँ करा लूंगा करा लूंगा। ये चलता है ये, ठीक है, क्या करे यार। मैंने कहा अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए थी। चलिए हाँ जी, तो क्या बात कर रहे थे अपन। अरे हो गया होगा टाइम यार, क्या करना है टाइम का, 5 मिनट है मेरे पास अभी। नहीं आप सुनो मेरी बात भाई, शो ऑफ हैंड्स से वोट होते हैं, अगर कोई मानना चाहे तो मानेगा, और शो ऑफ हैंड्स में अगर अपन ने रेजोल्यूशन पास करा, मेरी बात सुनना, संडे को 4 घंटे की क्लास है, ठीक है, कौन कौन हाँ कर रहे हैं शो ऑफ हैंड्स से। भाई वो डंडा कहाँ गया यार, ठीक है, कौन कौन हाँ कर रहे हैं बताओ, 1 2 इसको मैं, ये मेरे को ना ले जाए। अच्छा चलो अब दूसरा, कौन कौन अगेंस्ट है, ये सब तो डीवीआर वाले हैं ना, ये सब तो प्रॉक्सीज है, काउंट ही नहीं करेंगे राट। तो अच्छा चलो, तो आप लोगों ने क्या किया, अगेंस्ट कर दिया, चलो मान लेते हैं सच्ची बात, ओके चलो अब ऐसा करते हैं, सच्ची में आप लोगों ने क्या किया, मैंने कहा संडे को 4 घंटे की क्लास, ठीक है, 2 जनों ने हाँ करा, मैंने कहा कौन कौन अगेंस्ट में है, तो 15 लोग अगेंस्ट में खड़े हो गए, ठीक है, अब 15 लोग अगेंस्ट में, फिर इसने क्या कर दिया, पोल की डिमांड कर ली, ठीक है, बोलो जरा डिमांड फॉर पोल, शेयर्स कितने हैं इसके पास। अब मैं जरा इसका, अब एक सेकेंड रुको, अब क्योंकि इसने डिमांड फॉर पोल करी है तो जरा हम इसके नंबर ऑफ शेयर्स को चेक कर लेते हैं, तो इसके पास, ठीक है, 55% वोटिंग पावर है, ठीक है, और इसके पास, ठीक है, कंपनी के 5 लाख रुपए बोले थे, ठीक है, कंपनी के 250 करोड़ के शेयर्स पड़े हैं इसके पास, ठीक है, फाइन, तब क्या करेंगे, पोल ऑर्गेनाइज करेंगे, आ गया ना समझ में, ठीक है। सर आपको जैसे करना है वैसे करो, ये क्या है, ये लोटा है, लोटा ये यू पलटता रहता है बार बार, कई बार में अगेंस्ट में यू यू यू। अरे एक चीज बहुत ज्यादा हल्का ही है क्या। हाँ जैसे मैंने बोला इनोसेंट तो ऐसे, ये मैंने ज्यादा इज्जत दे दी तो दिमाग भी ऐसा फटके हो गया, वो बोले भाई रुक जा, सर दर्द बाद में होगा, पहले ये डाइजेस्ट कर, ये तेरे को मासूम बोला। चलो इधर देखो, द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑन इट्स ओन और डिमांड मेड बाय स्पेसिफिक मेंबर्स इन दिस बिहाफ। तो या तो चेयरमैन खुद ही पोल ऑर्गेनाइज करने के लिए बोल देगा, ठीक है, जैसे कि आप सब लोगों ने नेगेटिव में हाथ ऊपर कर दिया, ठीक है, कि नई क्लास में नहीं आएंगे, 4 घंटे की क्लास नहीं होगी, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है पोल, मैंने खुद ने बोल दिया पोल, अरे नहीं इसने नहीं बोला, मैंने खुद ने बोल दिया पोल, मेंबर हु कैन डिमांड फॉर पोल,
इन केस कंपनी इज हैविंग अ शेयर कैपिटल बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग और बाय प्रॉक्सी, क्योंकि प्रॉक्सी के पास पहली बार राइट आया, याद आया? प्रॉक्सी क्या नहीं कर सकता, जैसे ही बैठा हाथ बंद मुंह बंद, मगर पोल के लिए तो बोल सकता है, जैसे बोले क्या हो गया भाई, पोल, बोले हाँ पोल, पोल ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, वेयर अलाउड एंड हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स इन एग्रीगेट, और लगा रखा है दोनों में से कोई एक चीज चाहिए अपने को, नॉट लेस देन 5 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब, ठीक है, अभी तो 5 लाख ही प्रेस्क्राइब कर रखे हैं, ज्यादा अमाउंट प्रेस्क्राइब नहीं कर रखा, लेकिन आस्क फॉर द पोल। हाँ जी सर, हाँ 50 का भी बन सकता है जी, हाँ बिल्कुल कर सकता है सर, दोनों मेंबर्स की तरफ से, हाँ बिल्कुल कर सकता है, हाँ ही नहीं कर रहा ये, मैं इतनी देर से पहले हो गया तो हाँ ही नहीं कर रहा हूँ इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी बाय एनी मेंबर, अच्छा देखो अब एनी अदर कंपनी मतलब ऑब्वियसली जिनके पास शेयर्स नहीं है, अब शेयर्स नहीं है तो नहीं है, तो 5 लाख वाली बात तो यहाँ आ नहीं सकती, यहाँ सिर्फ क्या आ सकता है, बाय पर्सन और बाय प्रॉक्सी अलाउड नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, जिनके पास 1/10 या उससे कम वोटिंग 1/10 वोटिंग पावर होनी चाहिए, समझ आ गया, बट जिनका जिन कंपनी के पास शेयर्स नहीं है उनके पास तो ऑब्वियसली क्या ही होगी, वोटिंग पावर ही होगी ना, ठीक है भाई। अच्छा एक लास्ट लाइन देखना, विड्रॉल ऑफ डिमांड फॉर पोल, द डिमांड फॉर पोल में बी विड्रॉन बाय द पर्सन हु में डिमांड फॉर डिमांड एट एनी टाइम, समझ आ गया, जो पर्सन डिमांड करते हैं ना पोल की वो क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ आपको, शो ऑफ एंड से रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, उसके बाद आएगी पोल की डिमांड, किसी ने पोल की डिमांड कर दी, अब पोल ऑर्गेनाइज करने का जो टाइम होता है ना हमारे पास वो होता है 48 आवर्स, कितना 48 आवर्स, तो 48 आवर्स बोले ठीक है, 48 आवर्स मतलब कि भाई मीटिंग के बीच में नहीं लेना चाहते हम, मीटिंग के कॉन्क्लूजन पे ले लेंगे, लास्ट में ले लेंगे, समझ आ रही है बात, क्योंकि रिकॉर्ड जरूरी थोड़ी है कि वोटिंग जितनी भी हुई वो अभी आपको बताएं, बाद में भी तो बता सकते हैं ना भाई, आपको पता है 3-3 दिन बाद भी पता लग सकता है, ठीक है। तो अभी क्या है, अपन मीटिंग के अंदर जो रेजोल्यूशन पास करना है ना बाय डिमांड ऑफ पोल, वो अपन 48 आवर्स के अंदर ले सकते हैं, कितने में ले सकते हैं 48 आवर्स में, तो 48 आवर्स के अंदर अंदर मान लो जिसने पोल डिमांड करी थी बोलता है यार नहीं करना, पोल इज टेकन बैक, तो जो शो ऑफ एंड से रेजोल्यूशन पास हुआ वही वैलिडेट हो जाएगा, आ गया समझ में, ठीक है भाई। तो पोल अब ये करते हैं कल से चालू, ठीक है चलो आप जैसा बोलो, है ना, ऑब्वियसली मैं आप लोग की सारी बातें मानता हूँ, जो पोल की डिमांड करेगा उसके साथ शेयर होल्डर करेंगे, काउंट करेंगे जिन्होंने पहले अगेंस्ट वोट किया, नहीं करेंगे हरिओम नहीं करेंगे, मतलब जिसने जिसने वोट कर दिया काम खत्म, मतलब जिसने पोल की डिमांड करी, जिसने वोट कर दिया काम खत्म, पोल की डिमांड वालों को ही काउंट करा जाएगा, जिन्होंने पोल की डिमांड करा है उनके लिए एकदम फ्रेश वोटिंग हो जाएगी, ठीक है। चलो नवीन कल पूछ लेना, आते हैं ना अभी सर आ गए, ओके बाय।